मथुरा के बरसाना थाना क्षेत्र में युवती से नौकरी दिलाने के बहाने एक गेस्ट हाउस में बुलाकर दुराचार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता न्याय की गुहार लगाने देर रात गोवर्धन सीओ ऑफिस पहुंची, लेकिन सीओ के नाम मिलने पर पीड़िता को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। युवती का आरोप है कि बरसाना थाना पुलिस आरोपियों को संरक्षण देकर राजीनामा करने का दबाव बना रही है। सर, कल की बात है, ये नौकरी के बहाने सर मुझे लेके आए दो जने। सर, बरसाने में ले आके मेरे संग गलत काम किया। पुलिस वालों को सूचना करी सर बरसाने थाने में, सर उनको छोड़ दिया, दो घंटे बिठा ला, हमसे कह दी तुम घर जाओ और तुम सवेरे आना, तुम्हारा सवेरे मेडिकल कराएंगे। सर फिर हम दोबारा आए, हमें बुलाया गया, तुम आया सर, हम आए तो उनको छोड़ दिया गया। आपके संग कितने लोगों ने दुराचार किया? सर दो लोग थे, एक ही जने ने किया। अच्छा, जानती हैं आप उन्हें? हाँ सर, वो आते जाते रहते थे हमारे यहाँ। क्या नाम है उनका? अनिल चौधरी। कहाँ का रहने वाला है? वहाँ का है सर, ये उधर का, अलीगढ़। अलीगढ़ का रहने वाला है। हाँ। आप कैसे जानती हैं इसको? सर ये हमारे यहाँ आते जाते रहते थे। आपके यहाँ आते जाते रहते थे? हाँ, हमारी फैमिली में। तो अब आप बरसाना कैसे आए फिर इनके साथ? सर बरसाने जानकारी थी, उनने जो बोला था कि मैं आपको नौकरी पे लगवा दूंगा। बरसाने नौकरी पे लगवा दूंगा? हाँ जी सर। फिर आपके साथ गलत कार्य किया, आपकी सूचना आपने पुलिस को दी? हाँ जी सर। थाना बरसाना के अंतर्गत परसों रात की एक घटना है जिसमें एक बलात्कार का मामला प्रकाश में आया था, और उस मामले में ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी दिनों से उस महिला के साथ उसे बलात्कार करता रहा, और परसों रात में उसका यहाँ जो बरसाना के अंतर्गत ये घटना पुनः घटित हुई है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसको जो गाड़ी से ले गया है वो भी 120 वी का मुलजिम बनाया गया, इसमें भी कठोरतम कार्रवाई।